हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू एसएचपीएल वेबिनार। होप सो कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं एंड बहुत अच्छे से क्लोजिंग को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड क्लोजिंग है, वीकली थर्ड क्लोजिंग एंड 21st ऑफ मार्च। सो मार्च महीना यानी कि बहुत ही एक क्रूशियल मंथ होता है सभी बिजनेस मैन के लिए, बिजनेस वीमेन के लिए। तो ये मंथ सबके लिए बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही क्रूशियल है। सो आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से आप लोग बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज द वीकली थर्ड वीकली क्लोजिंग एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लोजिंग भी कर रहे हैं। एंड यस, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम फ्रॉम माई साइड। एंड जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आज का ये वेबिनार में दो किस्म की वेबिनार होने वाले हैं। फर्स्ट तो बेसिकली हम लोगों का पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबिनार रहेंगे, एंड सेकेंडली हम लोग लकी ड्रॉ ऑफ मार्च 2024 आज लाइव करने वाले हैं। यानी कि जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे, जितने भी लोग बेसिकली 14th तक जो लोग 1000 BV कंप्लीट कर चुके थे, वो सभी के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। एंड आज के दिन सभी के लिए ये लकी ड्रॉ देखने के लिए सब लोग वेट करते हैं। तो सेम एज आज वो दिन है जहां पे आप लोगों को लाइव देखने वाला है, देखने वाले हैं आप लोग कि किसको लकी विनर्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे एंड किसका नाम आते हैं वो लकी विनर्स में। तो बेसिकली जैसे फेब्रुअरी में आप लोग कुछ अलग अंदाज में लकी ड्रॉ करते हुए देखे हैं, सेम एज इस बार भी कुछ अलग होने वाले हैं। यानी कि जो फेब्रुअरी 2024 का लकी ड्रॉ था, वहां पे तीन बहुत ही अलग प्राइजेस थे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। एंड सेम एज वो कंसेप्ट को और भी रिन्यू करके और भी धमाकेदार बना के मार्च में जो ऑफर आप लोगों के सामने लाया गया था, वहां पे सिर्फ तीन को नहीं यानी कि पांच को अलग अलग प्राइजेस मिलने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली मतलब ये जो एक न्यूज है, ये जो एक जो हम लोग सुने हैं, ये जो ऑफर्स, ये बेसिकली सबका होश उड़ गए थे। एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स पिछले जो लकी ड्रॉ हम लोग किए थे। तो बेसिकली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इनका गिफ्ट अलग होने वाले हैं, एंड सिक्स से लेके 25th तक जिनका नंबर आएंगे उनको मिलने वाला है SHPL एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। सो बेसिकली जो फर्स्ट गिफ्ट है वो तो सेम जैसे है फर्स्ट मंथ की तरह, लेकिन उसके साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड के साथ और भी दो अनोखे गिफ्ट जुड़ चुके हैं। सो बेसिकली हम लोग ये पॉइंट में बाद में आएंगे, ये सेगमेंट में बाद में आएंगे। एंड आई होप कि आप आपकी टीम में बहुत ज्यादा शेयर करेंगे ये वेबिनार को, क्योंकि ये वेबिनार में आप सभी का लक ट्राई होने वाला है। सो आगे जाके हम लोग देख पाएंगे कि कौन 25 लकी विनर्स बनते हैं मार्च 2024 का। सो अभी हम लोग चलते हैं फर्स्ट फेज में। एंड यानी कि हम लोग का फर्स्ट जो फेज होने वाला है वो हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चल जाते हैं हम लोग के वेबिनार्स में। तो बेसिकली आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। और अगर ये वेबिनार के दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर आज के वेबिनार रिगार्डिंग अगर आते हैं, तो आप वो एंड में वो क्वेश्चन रख सकते हैं, वो डाउट रख सकते हैं, एंड आई विल बी क्लियरिंग दैट। सो चलिए हम लोग और लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के टॉपिक में। एंड बेसिकली जैसे कि अगर टॉपिक का बात किया जाए, तो आज का टॉपिक यानी कि मिड दिसंबर विद कॉन्फिडेंस, आज का जो टॉपिक था कि आपका समर आप कैसे कॉन्फिडेंटली जिएंगे एंड आपकी स्किन कैसे ग्रेट आप लोग रखेंगे, तो इसके ऊपर आज का टॉपिक बेसिकली है। तो बेसिकली आज का टॉपिक समर स्किन केयर टिप्स के ऊपर है। एंड बेसिकली ये जो एक टॉपिक है, ये जो एक सेगमेंट है, आज इसी के ऊपर फोकस करने का एक ही रीजन है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मार्च एंड आज 21st मार्च है। बहुत जगह में ऑलरेडी समर हैज बीन अराइव्ड। सो एंड बहुत सारी जगह में अभी भी समर अराइव्ड नहीं हुआ है, लेकिन फ्रॉम लास्ट मार्च या मिड अप्रैल
सब जगह में कहीं ना कहीं समर अराइव्ड हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस में समर अराइव्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो विंटर से लेके समर का जो ये ट्रांजिशन है, कहीं ना कहीं यहीं पे हम लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। कहीं ना कहीं यही एक सीजन होता है, यही एक टाइम होता है जहां पे सीजन चेंजेस होते हैं, जैसे कि जुकाम फीवर हम लोग का लगे रहते हैं, एंड वैसे ही बहुत सारी स्किन इश्यूज भी होता है जब वेदर चेंजेस होते हैं। एंड बेसिकली व्हेन इट टर्न्स टू समर एंड अगेन समर टू विंटर, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि तब स्किन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं एंड वी फेस मेनी इश्यूज रिगार्डिंग आवर स्किन, रिगार्डिंग आवर हेयर्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा कि आप ये समर में, ये टोटल जो समर सीजन आएंगे, इसको कैसे आप कॉन्फिडेंटली आप जी पाएंगे विद अ ग्रेट स्किन। सो आज का टॉपिक बेसिकली स्किन के ऊपर फोकस रहेंगे, लेकिन इसका और एक भी पार्ट होगा जो आपके हेयर के ऊपर आएंगे कि समर में हेयर केयर कैसे करना है। लेकिन आज का टॉपिक है स्किन रिलेटेड, सो डेफिनेटली हम लोग स्किन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज कुछ अलग वे से आज का वेबिनार का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है कि समर में हम लोग कैसे खुद को अच्छे से रखेंगे, कैसे खुद का केयर करेंगे, ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। एंड आई होप कि सभी को एटलीस्ट 90% लोगों को ये नॉलेज है कि कैसे खुद का केयर करना है जब समर आते हैं। लेकिन कुछ सवाल होता है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों का, जहां पे कहीं ना कहीं वो आपके टीममेट से आ रहे हैं, या फिर आप जब फील्ड में जाते हैं तब आते हैं। तो बेसिकली कुछ सवाल का आज मैं जवाब लेके आई हूँ, एंड आई होप कि आज वो सारे सवाल का जवाब आप लोगों को भी मिल जाएंगे जो समर रिलेटेड है। एंड बेसिकली अगर ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, देन वी विल नॉट गोना फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन समर। सो समर को फेस करने के लिए, समर को डील करने के लिए कुछ, जैसे हम लोग हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम लोग के फिट रहने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, सेम एज स्किन में भी कुछ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो सवाल आते हैं, अगर समर का बात किया जाए, देन आई सेड कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत बार हम लोगों से पूछा जाता है, एंड आई होप कि आप लोगों से भी ये सारे सवाल पूछा जाता है, एंड यू एवरीवन हैज फेस्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज वो सारे सवाल का एंड में आप लोगों को आई होप कि मैं आंसर दे पाऊंगी। सो जैसे कि एक अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हाउ डज समर इफेक्ट आवर स्किन, ये एक पहला सवाल है। जब भी हम लोगों का स्किन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है, जब भी ये समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक ख्याल, एक सवाल सबके दिमाग में आते हैं, एंड कई इंसान तो सामने से पूछ भी लेते हैं कि समर कैसे हम लोग की स्किन को इफेक्ट करता है। ये पहला सवाल है जो हर लोगों में रहता है। एंड बेसिकली इसके बाद अगर आते हैं और एक कॉमन सवाल के साथ, तो वो रहेगा कि हाउ कैन आई मेक माई फेस ग्लो इन समर। जैसे कि जिनका फेस ऑयली है, तो उनके हिसाब से स्किन तो हमेशा ऑयली रहते हैं, तो अलग से ग्लो बनाने का क्या है। बट यहाँ पे भी एक मैटर है, आपका फेस ऑयली है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फेस ग्लो करेंगे। एंड हम लोग का फेस ग्लो नहीं करते, डल दिखता है, एंड स्किन फील्स वेरी डल। एंड ये एक सिचुएशन है जो हम लोग विंटर में भी फेस करते हैं, एंड कई लोग समर में भी सेम सिचुएशन फेस करते हैं। तो ये समर में भी ग्लोइंग स्किन बरकरार रखना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग एक ग्लोइंग स्किन हम लोग को मिल सकता है समर में, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंड इसके बाद अगर और एक सवाल में आते हैं, देन व्हाट शुड आई अप्लाई टू माई फेस एट नाइट इन समर। बेसिकली जिनका बहुत ऑयली स्किन होता है, जिनका स्किन का सही से स्किन टाइप समझ में नहीं आता है, दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड उनका दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम लोग को नाइट में क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए एज अ समर केयर, एज अ समर स्किन केयर, हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे सवाल रिपीटेडली आते हैं, एंड उसके बाद हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्किन फॉर समर,
जो कि अभी की मौसम में, अभी की टाइम में, अभी जो टाइम चल रहा है, मार्च ऑलरेडी इज गोइंग टू बी एंड एंड वी आर रनिंग आफ्टर 20 एंड ये आज 21st ऑफ मार्च है, तो ये टाइम, ये सिचुएशन, ये जो मौसम अभी बदल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सवाल हम सभी को हिट करता है कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवर स्किन फॉर समर। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप सवाल है, सब कोई पूछते हैं एंड इवन खुद में भी ये सवाल आते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिसमें ये सवाल आते हैं, एटलीस्ट फोन नंबर क्वेश्चन किसमें आते हैं? एनीवन, अगर आप में आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नी कर सकते हैं कमेंट्स में, और यू कैन रेज योर हैंड्स टू। यस, सो रेज हैंड्स हो रहे हैं, कमेंट्स उतना ज्यादा आ नहीं रहे, लेकिन दो तीन कमेंट्स भी आ चुका है ऑलरेडी। सो बेसिकली हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्किन फॉर समर, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हम सभी खुद से करते हैं, एंड डेफिनेटली अगर कोई टीम मेंबर्स हैं या फिर कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सलाह लेते हैं, राइट? यस, सो अभी देखिए कमेंट का बहुत सारा कमेंट्स आ चुके हैं, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सो बेसिकली ये एक सवाल है जो हम लोग के बहुत कॉमन एक सवाल है, व्हेन समर इज अराइविंग, तो ये वो टाइम है एंड यही टाइम में हम लोगों की स्किन को प्रिपेयर करना है समर से फाइट करने के लिए। एंड ये टाइम में अगर हम लोग समर से फाइट नहीं करते हैं देन आवर स्किन विल नॉट बी प्रिपेयर टू फेस दिस समर। इसीलिए आज का ये सेशन यहाँ पे है क्योंकि अभी ये टाइम में हम लोग स्किन को खुद को प्रिपेयर करना है कि जाके वो समर को बहुत अच्छे से फेस कर पाए। सो बेसिकली इसके बाद और एक अगर हम सवाल पे आते हैं देन डेफिनेटली कैन वी यूज फेस सीरम इन समर, ये भी एक कॉमन सवाल है क्योंकि सीरम क्या होता है, बहुत ऑयली टेक्सचर एक प्रोडक्ट है, बहुत ऑयली बेस एक प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि समर आ चुके हैं तो क्या हम सीरम यूज कर पाएंगे। सो नाउ आई थिंक ये सारे कॉमन सवाल हैं, इसके साथ और भी बहुत सारा सवाल आया था लेकिन मैंने ये सारे सवाल को इकट्ठा किए हैं जो आप लोगों से ही आते हैं। अगर और भी कोई सवाल है तो आप एंड में कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सवाल का आंसर हम लोग मिलता है क्या नहीं। तो पहले आते हैं कुछ समर के टिप्स के साथ। अगर कुछ टिप्स आप लोगों को दिया जाता है तो बेसिकली हम लोग जब भी एक स्किन के रूटीन सेट करने के लिए जाते हैं या फिर कुछ सोचते हैं कि अभी समर आ रहे हैं तो खुद को प्रिपेयर करना है, कुछ स्किन के रूटीन सेट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप, क्योंकि ये विंटर से जब ये समर पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके स्किन टाइप्स में भी इफेक्ट हो सकता है, आपके स्किन टाइप्स में भी वेरी हो सकता है, एंड जिनका नॉर्मल स्किन है उनका तो स्किन टाइप डेफिनेटली चेंज हो सकता है। ये हम लोग के जितने सीजन्स है सीजन के साथ साथ स्किन चेंजेस हो सकता है। सो बेसिकली ये सबसे पहले हम लोग को क्लियर करना चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग का स्किन टाइप को समझे एंड ये कैसे बिहेव करता है समर के टाइम इसको समझे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका समर में सबसे ज्यादा स्किन में एलर्जी आते हैं, एंड इसके साथ और एक अगर हम प्रॉब्लम को आगे लेके आए देन डेफिनेटली और एक प्रॉब्लम जो है समर में बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड ये सारे कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं एंड ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले ये पहले इकट्ठा करना पड़ेगा कि हम लोग का स्किन कैसे बिहेव करता है एंड उसी के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। एंड आई होप कि स्क्रीन शेयर होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? नो ना? ओके ओके, सो अभी आते हैं कुछ टिप्स के साथ एंड अगर टिप्स में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सभी को पता होता है कि क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर से ये रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर से ये देख लेते हैं क्योंकि ये समर ऑलरेडी आ चुका है। तो फेस वॉश जैसे कि हम लोग विंटर के टाइम एक बार करते थे वो बेसिकली हम लोग को दो बार करना चाहिए, एंड इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग के स्किन केयर जो रूटीन है उसमें डालना चाहिए।
एंटीऑक्सीडेंट स्किन के रूटीन में जरूरी है एंड इसके साथ हम लोग के स्किन को एक्सफोलिएट भी करना चाहिए एंड डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि समर में हम लोगों को मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर हम लोग नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, देन इट्स रॉन्ग। आपको मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करना चाहिए समर के टाइम एंड उसके बाद। ये स्पेशली दिस पॉइंट इज फॉर एवरी वीमेन, जस्ट गो फॉर अ लाइटर मेकअप एंड इट विल हेल्प यू टू कीप योर स्किन मोर हेल्दियर। एंड इसके साथ हमको एक अच्छा, सभी के लिए एक अच्छा टोनर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड उसके साथ जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है एंड हम लोग सभी लोग इसको बहुत लोग मानते भी हैं एंड बहुत लोग स्किप भी करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए एंड अलोंग विद दैट एनी अदर फ्लूइड्स वो भी हम लोग ले सकते हैं टू हाइड्रेटेड आवर सेल्फ, टू मेक अस हाइड्रेट। एंड इसके साथ सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स के साथ हम लोग को चलना चाहिए, वेट ब्रीथेबल फेब्रिक्स एंड इसके साथ अप्लाई विटामिन सी सीरम। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ऑयली कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से आपका स्किन और भी ऑयली बन जाता है एंड इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर योर समर सीजन, लेकिन यू आर रॉन्ग। आपको विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करना चाहिए, इट विल प्रोटेक्ट यू, क्योंकि यही एक एंटीऑक्सीडेंट है, रॉ एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को मिलता है, जो प्रॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को दिया जाता है। सो सीरम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड स्पेशली विटामिन सी सीरम। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ। अगर कुछ ट्रिक्स में आते हैं तो डेफिनेटली वी विल गो विथ सम प्रोडक्ट्स जिसके दौरान आप लोगों का स्किन अच्छा हो सकता है, आप लोगों का स्किन हेल्दी हो सकता है। सो पहले जाएंगे हम लोग फेस वॉश के साथ। सो बेसिकली आपको आपके स्किन टाइप के अनुसार, आपके स्किन का बिहेवियर के अनुसार, जो ये समर के टाइम आपका स्किन का चेंजेस होते हैं उसके टाइप के अनुसार आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए। एंड यहाँ से ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलते हैं एंड आप यहाँ से कोई भी एक आपके लिए चुने एंड आप ये डे में वंस या ट्वाइस एक फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बी वेरी क्रूशियस, बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू चूज योर प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक मैटर है जहां पे हम लोग को बहुत कंसर्न देना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप। एंड इसके साथ डेफिनेटली अ गुड टोनर। सो ये टोनर के लिए भी हम लोग के पास थ्री ऑप्शंस हैं जो आपके स्किन के लिए शूट होता है, आप वो प्रोडक्ट को लीजिए। सो आफ्टर फेस वॉश आप डेफिनेटली टोनर अप्लाई कीजिए एंड दिस ऑल आर फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। तो यहाँ पे कोई जेंडर का मैटर नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल बेसिक रूटीन है जो सबको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इसके साथ डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समर दैट इज सनस्क्रीन। एंड यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शंस मिल रहा है, आपको तीन चॉइसेस मिल रहा है जहां पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं एंड इसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं आपकी स्किन को जो चाहिए। बट डेफिनेटली डोंट स्किप दिस पॉइंट, अगर आप घर में हैं या बाहर जाते हैं आपको दोनों टाइम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सूरज दिख रहा है, अगर आपको लाइट्स दिख रहा है, चाहे आप वो घर में हैं या बाहर में हैं, अगर आपको लाइट्स दिख रहा है देन डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये तीन प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं जो आपके लिए बेटर है। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, मॉइस्चराइजर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल थ्रू आउट द ईयर। इसका कोई ऐसा नहीं कि विंटर आ जाता है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एवरी मंथ होल ईयर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फॉर दैट एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम, जो कि बहुत ही एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। समर में क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है एंड एज अ रिजल्ट हम लोग को लगता है कि कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग लगा लेते हैं तो वो हैवी हो जाता है। तो हम लोग का जो एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम है ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही एक लाइट मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये अप्लाई करने से हम लोग का स्किन भी हाइड्रेटेड रहेंगे एंड इट विल नॉट फील वेरी वेरी हैवी टू आवर स्किन। सो ये प्रोडक्ट हम लोग हर कोई स्किन टाइप के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, हर कोई स्किन टाइप को यूज करवा सकते हैं एंड डेफिनेटली फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड इसके बाद डेफिनेटली एज आई सेड विटामिन सी फेस सीरम।
अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा बात नहीं है कि ऑयली स्किन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या ड्राई स्किन को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। विटामिन सी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट कैन बी सुइटेबल फॉर एनी स्किन टाइप। सो एज अ नाइट सीरम, एज अ एंटीऑक्सीडेंट टू योर स्किन, आप ये प्रोडक्ट को एज अ नाइट सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सब कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर 20 ऑफ योर इयर्स, अगर किसी का 20 इयर्स है, 20 साल से ऊपर जिनका एज है, वो सभी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बेसिकली इट्स अ वेरी रॉ नेचुरल प्रोडक्ट, जहां पे कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई एडेड आपका पैराबेंस नहीं है, कोई सिलिकॉन्स नहीं है, एंड इवन नो एडेड फ्रेग्रेंस। तो एकदम नेचुरल रॉ प्रोडक्ट्स हैं, जहां से आपके स्किन को एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लुक मिल सकता है। सो ये एक प्रोडक्ट के साथ आप आपकी स्किन को वो एंटीऑक्सीडेंट पहुंचा सकते हैं। एंड इसके साथ डेफिनेटली और वीकली केयर, इट्स अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉर योर समर, एंड समर में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम भी आ जाता है। एंड द मोस्ट प्रॉब्लम टुडे, मतलब ये मीटिंग स्टार्ट करने से कुछ समय पहले मुझे एक मैसेज आया था कि डी टैनिंग के लिए कुछ है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं वो मैम अभी जूम देख रहे हैं क्या नहीं। सो मैम बेसिकली वेस्ट बंगाल से ही है, तो मैम का एक मैसेज आया था कि डी टैनिंग के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली होम रेमेडीज हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डी टैनिंग को हटाने के लिए। कोई टमाटर यूज करते हैं, कोई बेसन यूज करते हैं, कोई हल्दी यूज करते हैं, एंड इवन सम पीपल्स आर देयर कि जो लोग इसको मिक्स करके एक पैक बनाते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो कितना दिन? बेसिकली वो एक दिन, 2 दिन, बट वो इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड डे बाय डे, वो पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं मिलता है, या फिर अगर आप बाहर में जाते हैं, फील्ड्स वॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर जाके अगर किसी के घर में जाते हैं या फिर कोई भी रिलेटिव्स के फंक्शन में जाते हैं, वहां पे जाके वो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट? एंड आप बना के वो बाहर लेके भी नहीं जा सकते। सो बेसिकली होम रेमेडीज आर वेरी गुड, लेकिन वो हर टाइम यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। हर टाइम वो मिक्स करके बना के वो अप्लाई करना मुमकिन नहीं होता है। सो फॉर दैट, एज अ डी टैनिंग पैक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन समर, क्योंकि समर के टाइम टैनिंग बहुत ज्यादा होता है। आप घूमने जाए, या आप ऑफिस जाए, या आप बिजनेस के लिए जाए, अगर आप बाहर जाते हैं तो टैनिंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको होगा। एंड फॉर दैट वी ऑल से, एवरी टाइम वी से कि जो भी एरियाज आपको एक्सपोज हो रहा है, आपके हैंड्स, आपके नेक्स, तो यहाँ पे आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, जैसे आप फेस में अप्लाई कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यूज अम्ब्रेला, एंड वी से मेनी थिंग्स, लेकिन उसके साथ टैन तो आ ही जाता है। सो फॉर टैन रिमूवल वी कैन यूज पपाया फेस पैक एज अ डी टैन पैक किट राइट नाउ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा आपके टैनिंग के लिए। सो ये आप यूज कर सकते हैं। एंड स्क्रब, डेफिनेटली फ्रूट स्क्रब आप हफ्ते में एक दिन यूज कर सकते हैं, आप पैक आप हफ्ते में एक दिन यूज कर सकते हैं। एंड पील ऑफ मास्क, स्पेशली एवरी टाइम आई से दैट कि जिनका ऑयली स्किन है, या फिर कंबाइंड स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, जो समर के टाइम बहुत ज्यादा ऑयली बन जाता है, सो फॉर देम ओनली। ड्राई स्किन के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। चारकोल, एनी काइंड ऑफ चारकोल प्रोडक्ट इज नॉट फॉर ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन, ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है। तो अगर आपका ऑयली स्किन है, तो आप महीने में ये प्रोडक्ट को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पील ऑफ मास्क। तो बेसिकली ये नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन फ्रूट स्क्रब एंड पपाया फेस पैक कैन बी यूज बाई एनी वन इन एनी स्किन टाइप। सो इससे आपका ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम दूर रहेंगे, आपका जो टैनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है उससे भी आपको बाहर रखेंगे, एंड इट विल गिव यू अ वेरी हेल्दी स्किन। एंड इसके साथ, जैसे कि मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो 5 सवाल मैंने एकदम स्टार्टिंग में रखा था, एंड आई होप कि ये सवाल का आंसर अभी आप लोगों के पास डेफिनेटली है, बट आई वुड लाइक टू रिपीट दैट। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, हाउ डज समर इफेक्ट माई स्किन? तो अगर इसके ऊपर आते हैं, तो बेसिकली ये ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग की सीबेसियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा परिमाण ऑयल सेक्रेशन होता है, एंड डेफिनेटली दिस ऑयल
जो भी ऑयल सिक्रेशन होता है ये हम लोग के पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, एंड जिसके दौरान ब्लैक हेड्स आता है, व्हाइट हेड्स आते हैं, एंड उसके दौरान पिंपल्स, एक्ने, ये सब तो होते ही है, एंड डेफिनेटली सन डैमेज. तो वी नीड द ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज प्रॉपर केयर टू मेंटेन आवर स्किन इन समर. एंड इसके बाद जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से आया था, हाउ कैन आई मेक माई फेस ग्लो इन समर. टू गेट अ ग्लोइंग कम्प्लेक्शन, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग, सिर्फ एक बेसिक स्किन केयर रूटीन इज नॉट इनफ. आपको वो एक्स्ट्रा केयर, वो एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डेड स्किन सेल्स को अगर वो रेजुविनेट नहीं कर पाते हैं, अगर आपके डेड स्किन सेल्स को वो रेन्यू नहीं कर पाते हैं, देन डेफिनेटली विल नॉट गेट अ ग्लो फ्रॉम इनसाइड योर स्किन. सो ये स्किन ग्लोइंग बनाने के लिए एक्सफोलिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जिनके लिए मैंने आपको तीन प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मैंने सजेस्ट किया है, वो है एक पपाया फेस पैक डेफिनेटली, एंड उसके साथ फ्रूट स्क्रब, एंड जिनका ऑयली स्किन है उनके लिए चारकोल पील ऑफ मार्क्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. सो ये सारे प्रोडक्ट से हम लोग की स्किन को एक्सफोलिएट कर पाएंगे, एंड विद द बेसिक केयर एंड द एक्स्ट्रा केयर वी कैन गेट अ ग्लोइंग स्किन, नॉट दैट डलनेस इन आवर स्किन, वी कैन गेट अ ग्लोइंग स्किन इन समर. एंड इसके साथ अगर आते हैं, व्हाट शुड आई अप्लाई टू माय फेस एट नाइट इन समर. या सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे हम सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर आपका स्किन ऑयल बेस्ड है, अगर ऑयली है, तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब जेल प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड इन ऑयली स्किन, आप सभी को पता है. तो एलोवेरा जेल आप एज अ नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसके साथ डेफिनेटली सीरम कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरी वन, क्योंकि सीरम हर स्किन टाइप में जा सकता है, एंड एज अ नाइट क्रीम यू कैन यूज लाइट वेट मॉइस्चराइजर, एंड उसके लिए हम लोग के हाइड्रेटेड क्रीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं. सो यू हैव मेनी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपको सिर्फ उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को चुनना है एंड आपको अप्लाई करना है. अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एंड इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर एट नाइट और एनी सीरम एट नाइट, देन यू कैन गो फॉर एलोवेरा जेल. लेकिन अगर आप सीरम से सेटिस्फाइड है, आप सीरम को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर विटामिन सी सीरम एज अ नाइट सीरम. और अगर आप एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर सीरम, या फिर विदाउट सीरम आप एक मॉइस्चराइजर बेस्ड प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली हाइड्रेटिंग क्रीम. सो तीन ऑप्शंस आपके पास है. अगर कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, ये तीन प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इसके साथ और एक जो सवाल है, और दो ही सवाल है. सो जो नेक्स्ट सवाल है, हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्किन फॉर समर, एंड यू ऑल हैव दैट आंसर, यू ऑल हैव दैट आंसर. आपको प्रॉपर एक केयर लेना चाहिए, एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए, डीप क्लीन करना चाहिए, आपके रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. एंड उसके साथ बॉडी के लिए भी बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा सलाह देते हैं, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं. एंड आपके इंटरनल केयर के लिए आप कुछ प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्स जो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया वही आपका सोल्यूशन रहेगा विथ प्रॉपर रूटीन. एंड इसके साथ द लास्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज फेस सीरम इन समर. एज आई सेड इट मेनी टाइम्स, यस यू कैन यूज फेस सीरम इन द समर सीजन. आपके मतलब सीरम का एक ही चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स में आपका विटामिन सी या विटामिन ई होना जरूरी है. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं समर में, तो उसमें दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन ई, एंड वी हैव बोथ दी ऑप्शंस. हम लोग के पास विटामिन सी सीरम भी है, विटामिन ई एंड एलोवेरा हाइड्रेटिंग क्रीम भी है. तो दो ही ऑप्शंस हम लोग के पास हैं. यू कैन गो विथ एनीवन और यू कैन गो विथ बोथ द केयर. सो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस हैं, आप वो ऑप्शंस को चुन सकते हैं, एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप आपके स्किन को बहुत ही हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रख सकते हैं. एंड एज आई सेड कि सीरम इज द एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर स्किन, सो आई डोंट थिंक कि सीरम किसी को भी स्किप करना चाहिए समर में. आप जरूर अप्लाई कीजिए, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट. सो अलोंग विद दैट, यहीं पे हम लोग का वेबिनार का फर्स्ट फेज को
कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट फेज को एंड करते हैं। एंड बेसिकली जो कम्प्लेक्शन, जो प्रॉब्लम्स, जो डाउट्स हम लोग ये समर में फेस करते हैं, आई होप कि आज के ये वेबिनार के बाद और ये जो मौसम चेंजेस अभी चल रहा है, जो वेदर चेंजेस होने वाले हैं, इसमें हम लोग फुल प्रिपेयर्ड होके हम लोग समर को फेस कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर स्किन टाइप, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर स्किन नीड्स। ये दो अगर हम लोग को पता चल जाता है, देन दीज ऑल प्रोडक्ट्स कैन जस्ट मेक अस हैप्पी। सो आज का ये वेबिनार तो यही तक था। आई होप कि आज का ये वेबिनार आप सभी के लिए बहुत ही एक अच्छा वेबिनार रहेगा, क्योंकि ये जैसे कि वेदर चेंजेस हो रहा है, तो उनके लिए ये वेबिनार आई होप कि इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। एंड अलोंग विद दैट, जैसे कि मैंने कहा कि आज सेकेंड फेज में हम लोग का लकी ड्रॉ लाइव होने वाले हैं फॉर मार्च 2024। यस, सो द टाइम हैज बीन अराइव्ड एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग का लकी ड्रॉ ऑफ मार्च 2024। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर आप आपके टीम में अभी तक ये शेयर नहीं किए हैं, देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आज किसका लक ड्राइव हो सकता है, किसका लक आज टोटल विन हो जाते हैं, क्या पता आप का टीम से विनर्स आ सकते हैं। तो बेसिकली आप आपके टीम में जरूर ये लिंक को शेयर कर दीजिए कि सब आके ये लकी ड्रॉ सेशन लाइव देख पाते हैं। एंड उसके साथ आप लोग बहुत अच्छे अच्छे जैसे कि हम लोग का प्राइजेस है, वो भी विन करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि फरवरी में एक बहुत ही धमाकेदार लकी ड्रॉ कंटेस्ट हुआ था। बहुत ही धमाकेदार क्यों? क्योंकि गिफ्ट्स कुछ अलग थे, कुछ अनोखे गिफ्ट्स थे, कुछ अलग गिफ्ट्स थे, जो कुछ हटके गिफ्ट्स थे जो पहले कभी नहीं हुआ करता था SHPL में, राइट। एंड अलोंग विद दैट वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू ऑल। एंड इसके साथ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड इसके लिए मैं डेफिनेटली यू मस्ट थैंक्स टू अवर मैनेजमेंट कि इतना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया है। एंड ये मौका फिर से और मतलब अच्छे तरीके से आपको ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट आप लोग एंजॉय करिए एंड आपको लकी विनर्स घोषित किया जाए, इसके लिए और एक अच्छा मौका लेके आए हैं और बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट के साथ। जैसे कि फर्स्ट गिफ्ट जैसे था LED टीवी, एंड उसके साथ सेकंड गिफ्ट इज योर रेफ्रिजरेटर, थर्ड गिफ्ट इज माइक्रो ओवन, एंड फोर्थ गिफ्ट इज इंडक्शन, एंड योर फिफ्थ गिफ्ट इज मिक्सर ग्राइंडर, राइट। एंड उसके साथ 6th से लेके 25th तक आपको मिलने वाला है SHPL एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। सो बहुत ही एक धमाकेदार वेबिनार होने वाले हैं, बहुत ही एक धमाकेदार लकी ड्रॉ लाइव होने वाला है। सो आई होप स्क्रीन सभी को दिख रहा है। सो आई नीड ऑल योर कोऑपरेशन राइट नाउ। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और बाय डूइंग कमेंट्स कैन यू प्लीज से कि आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? यस, ऑल ऑफ यू कैन यू प्लीज टाइप यस और यू कैन रेज योर हैंड्स। या थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये जो एक टाइम है, ये जो एक मौका आता है, ये जो एक दिन आता है हर मंथ में, एंड वी रियली वेट फॉर दिस मोमेंट कि जहां पे हम लोग लकी ड्रॉ को लाइव देख सकते हैं। सो ये शुरुआत करने से पहले जैसे कि मैंने कहा, गिफ्ट्स तो बहुत ही धुआंधार गिफ्ट्स हैं, बहुत ही यूनिक गिफ्ट्स हैं, लेकिन आई होप कि जितने भी लकी विनर्स पिछले मंथ में बन चुके थे उनके सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी डोर स्टेप तक पहुंच चुके हैं। सो अगर ऐसे भी कोई व्यक्ति है तो आप आपका फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं कि गिफ्ट्स मिलने के बाद आपको कैसा लगा, क्योंकि इट वॉज अ ट्रॉली बैग, ब्रांड न्यू SHPL ब्रांडेड ट्रॉली बैग, ये मिलने के बाद आपको कैसा लगा, ये फीलिंग्स भी आप शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ। एंड उसके साथ आई वॉन्ट टू रिपीट वन थिंग कि जिनका भी आई डी में आपका अगर प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फोन नंबर नहीं है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप आज रात को ही वो अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ये जहां पे भी नाम आते हैं हम लोग यही आईडीज को, हम लोग उनके आईडीज पे जाके उनका एड्रेस, उनके फोन नंबर्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अगर आपका फोन नंबर गलत होता है या फिर कोई भी एक डिजिट
गलती से आपसे बैठ गया होता है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है वर्कआउट करने में. एंड अलोंग विद दैट, योर एड्रेस विद प्रॉपर पिन कोड, प्रॉपर लैंडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि वही एड्रेस को देख के हम लोग प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं. एंड इफ योर एड्रेस विल नॉट बी अपडेटेड इन योर आईडी, और योर नंबर विल बी नॉट बी अपडेटेड इन योर आईडी, देन वी विल फेस मेनी इश्यूज टू डिलीवर योर गिफ्ट्स टू योर डोरस्टेप. एंड एसएचपीएल डोंट वांट कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, एंड वी वांट वेरी स्मूथ जर्नी टू इट. एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली आपके डोरस्टेप तक वो प्रोडक्ट, वो प्राइस पहुंच जाए. उसके लिए आई होप कि आप लोग ये सहायता जरूर करेंगे, ये कोऑपरेशन आप लोग जरूर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर मार्च 2024 लकी ड्रॉ कंटेस्ट लाइव. जैसे कि नाम तो दिया गया है मैजिकल मार्च, सो आज का जो विनर आएंगे वो भी मैजिकल विनर्स होंगे जरूर, क्योंकि तोहफा भी बहुत ही, गिफ्ट्स भी बहुत ही यूनिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्पिन. एंड फर्स्ट से लेके, एज आई सेड, कि फर्स्ट जो आएंगे, फर्स्ट 5 उनको एक अलग गिफ्ट मिलेंगे, एंड 6 to 25 उनको एक अलग गिफ्ट मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्पिन. सो आवर फर्स्ट स्पिन फॉर मार्च लकी ड्रॉ 2024, एंड आवर फर्स्ट विनर इज प्रदीप कुमार सिन्हा, SH0475656. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं या फिर आपका टीम का कोई भी मेंबर्स प्रेजेंट है, देन प्लीज लेट अस नो. एंड अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट है, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आप जरूर बताइए कि आपको लकी विनर बनने के बाद कैसे लग रहे हैं. सो अवर नेक्स्ट पिन, इसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं अवर नेक्स्ट पिन. एंड प्रदीप कुमार सिन्हा को ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव लेदर बैग मिल चुका है. एंड अवर नेक्स्ट विनर दैट इज हनुमंथक आर बैरोल, SH2109383. आपको भी मिल चुका है ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव लेदर बैग. एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड गिफ्ट, मतलब जितने भी लोगों के पास है वो लोग फिल कर पाते हैं. इट्स अ वेरी गुड लुकिंग बैग. सो अवर नेक्स्ट विनर इज विदाथा गुरुंग, SH0839815. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड आई रिपीट, अगर कोई भी व्यक्ति आज यहाँ पे लाइव प्रेजेंट है, जो उनको देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जरूर बताइए कि विनर लिस्ट में आपका नाम देख के कैसा लग रहा है. सो नेक्स्ट विनर इज पियाली करण माइती, SH0008799. एंड इसके साथ हम लोग ऑलरेडी 4 विनर्स मिल चुके हैं जिनके पास एग्जीक्यूटिव लेदर बैग पहुंच चुका है. सो अवर नेक्स्ट विनर दैट इज सादिक आली, SH8594356. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. एंड इसके साथ आवर नेक्स्ट स्पिन, आवर नेक्स्ट विनर एंड द नेक्स्ट प्राइज गोज टू अरूप रॉय, SH1442539. सो आई वांट टू सी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जिनका नाम यहाँ पे आए हैं एंड आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे, कोई ऐसा है? अभी तक तो है नहीं. अगर आपके टीम में से कोई ऐसा है, देन प्लीज टैग हिम और हर एंड उनको बताइए कि वो आके एक बार उनका नाम ये लिस्ट में देख के जाए. सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्पिन के साथ, यानी कि अवर नेक्स्ट विनर दैट इज नीलाभा शरणप्पा निरालगी, SH7112025. इसके साथ हम लोग को 7 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है. दिस इज नाउ द 8th टाइम आवर स्पिन इज गोइंग टू मूव. एंड आवर नेक्स्ट विनर इज सुरेश कुमार टी, SH1390344. एंड इसके साथ 8 विनर्स मिल चुका है. वंस अगेन अ वार्म कांग्रेचुलेशंस, अ ग्रेट कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. एंड आवर नेक्स्ट विनर इज शाहीन अहमद, SH2618746. एंड विद दिस फ्लो आवर नेक्स्ट स्पिन एंड आवर नेक्स्ट विनर इज राम कुमार दाजी, SH0127206. 10 विनर ऑलरेडी मिल चुका है. एंड ये 10 विनर के पास ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेदर बैग पहुंच गया है, यानी कि उनको सिर्फ डोर स्टेप में पहुंचना बाकी है. ये लोग जीत चुके हैं एग्जीक्यूटिव लेदर बैग ऑफ एसएचपीएल. सो आप कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. एंड अगर कोई भी व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पे आए हैं
कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आए हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है विनर बनने के बाद। एंड इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट पिन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड आवर नेक्स्ट पिन, आवर नेक्स्ट विनर दैट इज जेंथिंगाई SH4623825। वन थिंग आई मस्ट रिपीट कि ये सारे बेनर्स का लिस्ट आपको कल सुबह शर्वाश्री का फेसबुक पेज में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक अपने फेसबुक पेज को लाइक बिना करके रखे हैं देन इट्स अ वेरी बैड साइन। तो आप जल्द से जल्द फेसबुक पेज को लाइक करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, क्योंकि अगर आप लाइक करके रखते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। जब भी हम लोग कोई नए पोस्ट अपडेट करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। एंड हर सुबह शाम नए नए पोस्ट हम लोग शेयर करते हैं फेसबुक के दौरान। सो आई होप इट विल मेक योर बिजनेस मोर इजियर। सो आप वो पेज को लाइक करके रखिए एंड अपडेटेड रहिए SHPL के साथ। एंड इसके साथ अवर नेक्स्ट पिन एंड अवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग इज शबाना सेरिनी SH00762। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी विनर्स जिनका भी नाम आ चुके हैं एंड जिनका भी नाम नहीं आया है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर होल एंटायर टीम। क्या पता नेक्स्ट नाम आपका आ सकता है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज रेशमी सिन्हा SH2588851। एंड ऑलरेडी 13 विनर्स मिल चुका है एंड दिस विल बी आवर 14th स्पिन। एंड दी नेक्स्ट प्राइज गोज टू शाई कृष्णा SH1914159। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी विनर्स। एंड इसके साथ आवर नेक्स्ट स्पिन एंड आवर नेक्स्ट विनर स्वाति नाथ SH00121112। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी के साथ 15 विनर्स ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है एंड 15 विनर्स को ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेदर बैग जीतने का मौका मिल चुका है। एंड अवर नेक्स्ट विनर इज संतोष दत्ता वादे SH0887343। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम जितना आगे बढ़ रहा है लोगों का टेंशन भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि अनोखे गिफ्ट्स अभी भी बाकी है। लास्ट 5 गिफ्ट्स अभी भी बाकी है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज मूसा आकीब केपी SH2921960। एंड इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे टू आवर नेक्स्ट विनर। नेम किसका आते हैं उसी के बर्दाश्त में। तो आवर नेक्स्ट विनर इज पी आनंद SH0001412। एंड इसी के साथ ऑलरेडी 18 विनर्स हम लोगों को मिल चुका है। बचा सिर्फ 2 विनर्स जिनको एग्जीक्यूटिव लेदर बैग मिलने वाला है। राइट। सो आवर नेक्स्ट विनर, नेक्स्ट 2 विनर्स जिनको एग्जीक्यूटिव लेदर बैग मिलने का मौका है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज सिनीवा सागम दुराईराज SH3429904। एंड इसी के साथ आवर लास्ट विनर आज के इवनिंग का जिनको मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग एंड दैट इज एनडी अब्दुल मन्नान चौधरी SH4978888। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ 20 विनर्स हम लोग को मिल चुका है आज शाम का यानी कि मार्च 2024 लकी ड्रॉ का 20 विनर्स मिल चुका है जिनको मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। एंड लेफ्ट 5 विनर्स जहां पे और भी हटके होने वाला है, जहां पे सभी का एक्साइटमेंट और भी बनने वाला है यानी कि लास्ट 5 विनर्स। एंड द नेक्स्ट पिन जो मैं अभी करने वाली हूँ वो स्पिन है मिक्सर ग्राइंडर के लिए। जस्ट क्रॉस आवर फिंगर्स क्योंकि ओनली 5 विनर्स आर लेफ्ट। सो देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर किसके लक में जाते हैं। सो दिस स्पिन इज फॉर मिक्सर ग्राइंडर एंड द विनर इज आर ज्योति SH0890244। कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग अ मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम SHPL। एंड ये एक बहुत ही अनोखे गिफ्ट है, यूनिक गिफ्ट है। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट स्पिन होने वाला है वो स्पिन है इंडक्शन ओवन की।
ये भी एक अनोखी, ये भी एक बहुत ही हटके गिफ्ट है एंड देखते हैं इसमें किसका नाम आते हैं। एंड वी ऑल हैव बीन वेटेड फॉर दिस फाइव विनर्स, दिस फाइव नेम्स, राइट? सो सबका फिंगर्स क्रॉस्ड है, आई होप सबका फिंगर्स क्रॉस्ड है जितने भी लोग कंसिस्टेंसी किए थे। एंड आवर नेक्स्ट विनर, एंड दिस स्पिन इज फॉर इंडक्शन ओवन, एंड द विनर इज सीता रानी जेना, SH3615314। कॉन्ग्रेचुले सॉरी आई वांट रिपीट द आईडी, SH3615315, सीता रानी जेना, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मिल चुका है इंडक्शन ओवन एंड यू आर रियली वेरी लकी। मतलब अभी जो लास्ट बचा और तीन विनर्स, ये तीन विनर्स और भी लकी होने वाले हैं। सो देखते हैं जाके ये तीन विनर्स में किसका नाम आते हैं, ये तीन लकी विनर्स कौन बनते हैं। सो दिस स्पिन विल बी डेफिनेटली फॉर माइक्रो ओवन। सो चलिए देखते हैं ये स्पिन में किसका नाम आते हैं, यानी क्या माइक्रो ओवन विनर फॉर टुडेज इवनिंग। एंड नेम गोज टू के वेंकटैया, SH0421602। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसके साथ लास्ट टू विनर्स आर लेफ्ट, एंड आई होप कि आप सभी लोग यही प्रे कर रहे हैं कि नेक्स्ट मेरा नाम आ जाए, राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड द लास्ट टू स्पिन, एंड बहुत ही अनोखे गिफ्ट्स हैं। एंड दिस स्पिन, अभी जो 24th टाइम स्पिन होने वाले हैं, ये स्पिन है रेफ्रिजरेटर की। सो लेट्स क्रॉस अवर फिंगर एंड सी the winner's name. So our 24th winner for today's evening is Akash Kaiti, SH0042597. Congratulations to you. And इसी के साथ already lucky draw एक end moment में आके पहुंच गया है, and the one last name left and one last spin left for today's evening, for today's lucky draw contest. And ये एक गिफ्ट के लिए सब कोई बैठे हैं, because the last pin will be for LED TV and the winner name I must declare. लेकिन उससे पहले सभी लोगों को मैं जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, जितने भी लोग विनर्स बन चुके हैं, 24th विनर्स ऑलरेडी हम लोग के पास मिल चुका है, लास्ट वन विनर इज लेफ्ट। And according to SHPL, everyone is the winner those who have done consistency offer. तो अगर आप 1 से लेके 14 तारीख तक अगर आप 1000 VV करते हैं in multiple invoice or in single invoice, everyone is a winner for SHPL. So you all are a participate of this lucky draw contest. लेकिन lucky draw में सिर्फ कुछ ही नाम आ सकता है. So according to us, you all are a winner. So चलिए देखते हैं last but not the least, the final spin for LED TV, and the winner goes to Reshma Nahid Qureshi, SH1225631. Congratulations, everyone, the every 25 winners, and along with that, every person, every IBO who have done their consistency. Congratulations to everyone. And इसी के साथ game is over for today. यानी कि today is evening का game तो खत्म हो चुका है. March 2024 का lucky draw तो खत्म हो चुका है. So इसी के साथ ये webinar को भी हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा. But I want to see कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे present था जिनका नाम आ जाया था, is anyone there? नो, नो वन इज हियर लाइक दैट, कि जिनका नाम अभी आया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द विनर्स. एंड कल शाम से पहले ही आफ्टर 12 PM आपको जरूर मिल जाएगा ये टोटल लिस्ट, ये लकी ड्रॉ विनर्स का लिस्ट. एंड वहां पे आप चेक कर सकते हैं, आप आपके टीम्स में शेयर कर सकते हैं. एंड प्लीज आप आपके टीम में बता दीजिएगा कि वो सारे आईडीज को अपडेटेड रखे, नॉट ओनली लकी विनर्स. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू फुल SHPL मैनेजमेंट, आई थिंक कि सबका आईडी प्रॉपर वे में अपडेटेड रहना चाहिए. सो प्लीज अपडेट योर आईडी. एंड थैंक यू एवरी वन फॉर
सपोर्टिंग आस. थैंक यू एवरी वन फॉर बींग इन जूम. एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए. फिर से मुलाकात होगा कोई एक जूम वेबिनार में. सो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आप लोगों से विदाई लेते हैं. सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग. थैंक यू एवरी वन वंस अगेन. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी विनर्स. आप लोगों के साथ फिर से SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात होगा कल शाम 8 बजे. थैंक यू एवरी वन एंड गुड नाइट. एंड टूडे इज दी थर्ड वीकली क्लोजिंग. सो जबरदस्त से वीकली क्लोजिंग को जबरदस्त कीजिए एंड बहुत अच्छे से बिजनेस को क्लोज कीजिए. थैंक यू एवरी वन एंड ऑल द बेस्ट.